हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ग्रामीण ओलंपिक खेलों का महाकुंभ शुरू, खिलाड़ी लगा रहे हैं जीतने के लिए दमखम। गांव में तलाशी जाएगी खेल प्रतिभाएं। सांडेराव स्थानीय नगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का महाकुंभ सोमवार को समारोह के बाद शुरू किया गया। यहां सीनियर सेकेंडरी विद्यालय परिसर में प्रधानाचार्य कपूरचंद परिहार, पंचायत समिति सदस्य श्रीमती भावना कठी, साथ ही दाखू देवी भील, भामाशाह चतराराम देवासी, जगदीश मेहता, विक्रम धोका, राम रमेश कुमार भील की मौजूदगी में ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई। बिरामी गांव में ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता के समारोह को संबोधित करते हुए सरपंच श्रीमती मनोहर कुंवर करनोत ने कहा कि राज्य की सरकार ग्राम पंचायत स्तर पर खेल प्रतिभाओं को तराशने के मकसद से ओलंपिक खेलों के आयोजन किए जा रहे हैं। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ी खेल को खेल की भावना से खेलें। इस दौरान CBO कार्यालय प्रतिनिधि अशोक चोरडिया, PEO चंदन सिंह चौहान, साथ ही सरपंच श्रीमती मनोहर करवर, उप सरपंच मनोहर सिंह करनोत, नरेगा सहायक मदन मीना, भामाशाह किशोर कासा, समाज सेवी महिपाल सिंह करनोत, भीम सिंह करनोत व गांव के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में मार्च पास्ट व सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। सरपंच द्वारा खिलाड़ियों का परिचय के बाद कबड्डी का मैच ए व बी टीम के बीच खेला गया, जिसमें बिरामी की ए टीम विजेता रही। मैच के निर्णायक के रूप में तेज सिंह भायल, शारीरिक शिक्षक मुन्ना पवार, सुमेर सिंह फूलचंद, पुष्पेंद्र सिंह व श्रीपाल व प्रताप सिंह करनोत मौजूद रहे। जागरूक टीवी के लिए सांडेराव से नटवर मेवाड़ा की रिपोर्ट।